नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आज मऊ सदर विधानसभा के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी ने मऊ के MPMLA कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 7 महीनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस और STF जिसे रात दिन एक करके ढूंढ रही थी, उस अब्बास अंसारी ने आज दोपहर 12:30 बजे के आसपास कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सदर विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए अब्बास अंसारी द्वारा हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी पर NBW जारी हुआ था, जिसमें आज अब्बास अंसारी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वहीं MPMLA कोर्ट में सरेंडर करने के बाद जज ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सदर विधायक अब्बास अंसारी ने बताया कि चुनाव के दौरान दिए गए स्पीच के मामले में बेलेबल धाराओं में आज कोर्ट में पेश हुआ हूँ। न्याय ने अपना काम किया है और आज कोर्ट ने जमानत दे दिया है, इसलिए मैं वापस अपने क्षेत्र में जनता के बीच जा रहा हूं। चुनाव के दौरान मेरे भाई और मेरे चाचा के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज था। सबकी जमानत हो चुकी थी, बस मेरी ही बाकी थी, तो आज मैं भी अपनी जमानत करा लिया। वहीं अब्बास अंसारी ने कहा कि मेरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन सपा से है और रहेगा। कल मैं मुलायम सिंह की मृत्यु पर श्रद्धांजलि देने सैफई गया था। आज मैं मऊ में हूँ और कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है। एक NBW वारंट था बेलेबल धाराओं में, उसी के लिए कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और न्याय ने अपना काम किया। अब मैं वापस अपने क्षेत्र में आवाम के बीच में जा रहा हूँ। चुनाव में कोई आचार संहिता का उल्लंघन का मामला था। अब यार हम FIR थोड़ी रट के बैठे, ये काम वकील से पूछिए। हमारे हम थे, हमारे भाई थे और हमारे चचा थे, और इसमें बाकी सबकी जमानतें हो चुकी थी, हमारी बची थी तो वो हम लोगों ने भी करा ली। देखिए, श्रद्धांजलि हुई थी, हर जगह राजनीति मत ढूंढिए। इस पे टिप्पणी मैं कैसे कर सकता, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। ये आप बता सकते हैं, ये काम मीडिया का है। लग रहा काम तो मीडिया ना पूरी बात लिख के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाती है। हमारा तो ऑलरेडी गठबंधन है साहब, 3 महीनों से पुलिस आपको ढूंढ रही थी, पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी, मगर आप आज कोर्ट में हैं। नहीं, मैं कल सफाई में था।